वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। कैसे आप लोग? तो आज है दिनांक 27 अगस्त 2021। आपको बता दें तो मैं कहाँ आया हूँ इतनी मॉर्निंग में। लग रहा होगा आपको फिर से सोए नहीं हैं, रात भर सोए हैं, मतलब काफ़ी नींद तो पूरी नहीं हुई है। तो हम आए थे यहाँ पे आज वैक्सीन लगवाने के लिए, तो मेरा सेकेंड डोज है तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो लाइन में लगे हुए हैं, तो ऑनलाइन भी अवेलेबिलिटी है लेकिन बुकिंग जल्दी हो जाती है स्लॉट। तो दो तरह का सिस्टम है यहाँ पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑन स्पॉट आके आप टोकन ले सकते हैं, या ऑनलाइन आप अगर मिल रहा है तो टाइमिंग जो दी गई है उसके अनुसार आप देखिए 8 बजे 12 बजे 4 बजे और फिर से 8 बजे से होती है स्लॉट ओपनिंग, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। लेकिन जल्दी वहाँ पे होते हैं, नहीं तो आप ध्यान देंगे कई दिन तक तो मिल जाएंगे, नहीं तो आप ऑन स्पॉट आके ले सकते हैं। तो मेरा कोविशील्ड है तो 84 डेज के बाद लगता है वो। फर्स्ट डोज अगर आप लेते हैं उसके 84 डेज के बाद सेकेंड डोज होता है। अगर कोवैक्सीन होती है तो 1 मंथ के अंदर हो जाता है वो। दोनों वैक्सीन अच्छे हैं, आप लगाए ज़रूर। देखते हैं आज टोकन मिलती है नहीं। हमें सेकेंड डोज के लिए यहाँ पर हम आए हैं, तो ये वर्ल्ड होमज है, वृद्धा आश्रम जो होते हैं वहाँ पे सेंटर रखा गया है। तब मैं मुंबई में हूँ, नवी मुंबई खारगर। तो यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ कितना लाइन है। फर्स्ट डोज के लिए काफ़ी लाइन लगी हुई है, सेकेंड डोज के लिए लोग है ही नहीं। वैक्सीन भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अब वैक्सीन अवेलेबिलिटी अगर आप नवी मुंबई खारगर में हैं तो पनवेल कॉरपोरेशन का है साइट, वहाँ पर जाके आप चाहे उनके ट्विटर पे जाके, मोस्टली ट्विटर पे ही वो डालते हैं डेली शाम में 8-9 बजे के करीब कि कहाँ पे कितना वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सा डोज कितना है, तो सारे डिटेल होते हैं उसमें। आपको मैं शेयर कर दूंगा वैसे साथ में एक स्क्रीनशॉट कैसे होते हैं, तो आप जहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप खारगर या नवी मुंबई के निवासी हैं तो बाकी जगह के भी अगर होंगे नगर पंचायत तो वहाँ भी ऐसे लिस्ट जारी होते होंगे, इतना आइडिया तो हमें नहीं है। लेकिन मैं यहाँ का बता देता हूँ, अगर आपको चेक करना है कहाँ वैक्सीन कैसे हैं तो आप पहले वहाँ पर जाना चाहते हैं तो पहले देख ले लिस्ट और फिर जाएँ। वो दिखाता है थोड़ा लाइन वगैरह कितना है, कितने लोग हैं। तो जो मैं इस लाइन में हूँ यहाँ पे सेकेंड डोज वाले लाइन है, तो मतलब 20 से 25 लोग हैं और वैक्सीन यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन आपको फर्स्ट डोज का लाइन दिखाता हूँ, वैक्सीन कम है लाइन में लोग काफ़ी हैं। देखिए पहले आप ये लाइन फर्स्ट डोज का दिखाते हैं हम थोड़ा। देखिए लाइन काफ़ी दूर तक लाइन है, 60 के आसपास करीब वैक्सीन अवेलेबल है ऑन स्पॉट, और 10 ऑनलाइन थे फर्स्ट डोज के लिए। और कोविशील्ड आपको दिखाते हैं, देखिए कितना लाइन है फर्स्ट डोज का। बगल वाले सारे लाइन फर्स्ट डोज का है, तो काफ़ी लोग बैठे हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आके। देखें बेडशीट वगैरह लेके आते हैं लोग, मतलब अर्ली सुबह आए हैं 3-4 बजे, तो अभी लाइन में लगे हैं। देखते हैं 8:40 तक शायद टोकन बांटना शुरू करेंगे, तो अभी 1 घंटा के आसपास और करीब वेट करना है। वेट करते हैं तो देखते हैं टोकन मिलता है नहीं। चलिए आपको फिर बताते हैं, नेक्स्ट आएंगे फिर हम कब लेने के लिए। जब टोकन मिल जाएगा तो फिर टाइमिंग मिलेगी हमें टोकन पे। देख रहे हैं काफ़ी लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कूपन हमें मिल चुका है तो चलेंगे हम घर चलेंगे। तो 11 से 12 की हमारी टाइमिंग है, तो देखिए सके फर्स्ट डोज का लाइन अभी तक है, लंबा लाइन है इसका। शुरू करेंगे अभी कितना स्लॉट है ये देखेंगे। तो सेकेंड डोज का पहले उन्होंने दिया है क्योंकि लोग कम होते हैं सेकेंड डोज में, और वैक्सीन भी ज़्यादा अवेलेबल होती है तो इतना टेंशन नहीं होता है। हमने जल्दी आए थे, इतना जल्दी आने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन ठीक है आ गए तो मिल गया अभी। तो फिर आएँगे फिर से 11-12 बजे, फिर आपको दिखाते हैं सेकेंड डोज का। ये सारे लोग हैं, तो निकलते हैं हम घर पे, फिर मिलेंगे आपको। टोकन लेना था बस, टोकन मिल गया, आते हैं फिर आराम से भी जाते हैं सोएंगे। देख रहे हैं एकदम थका हुआ लग रहा है, नींद भी आ रही है। तो चलिए मिलेंगे, आप ब्लॉग को ज़रूर कंटिन्यू करें पूरा देखें। ये है खारगर 30 का है एरिया, जहाँ पे सेंटर है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। तो ये है खारगर 30 का, तो ये आपका देख रहे हैं मनु स्मृति वृद्ध आश्रम प्लॉट नंबर 163, ये सेक्टर 30, वही गांव खारगर। तो ये है ये वृद्धाश्रम है पूरा यहाँ पे।
तो इधर से मेन रोड है सामने, इधर से बाहर हम निकलेंगे। इधर सामने फील्ड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो ये पूरा सेक्टर 30 है, निकलेंगे। हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो हम निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी लगभग 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। सबको फिर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम आ गए हैं फिर से दोबारा वैक्सीन लेने के लिए। गए थे थोड़ा नींद लिए, फिर आए थोड़ा फ्रेश होके, नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी है कर लिए। हम आ गए अभी फ्रेश होके। अभी लाइन फिर से लगी हुई है, लाइन में लगा दी हैं अभी मोदी जी। हर बार नोटबंदी से लेकर अभी तक लाइन में खड़े कर रहे हैं। चलिए, ऐसे वैक्सीन मिल रही है, लाइन में लग के अच्छी बात है, फ्री में है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो लेंगे हम वैक्सीन। हमारा भी कहीं नंबर का कूपन कोड भी यहाँ पे टोकन पे लिखा है नंबर, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आप कभी आएँ ले लें, एक टाइमिंग है उसमें 11 से 12। तो मेरा तो अभी जाए, इसके बीच में हम ले लेंगे वैक्सीन। चलते हैं, तो दिखाते हैं पूरा लाइन वगैरह ऐसा होता है। तो आप लोग ज़रूर वैक्सीन ले, बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोरोना से बचना है। आपको इसके साथ साथ अभी ट्रेन वगैरह में परमिशन के लिए भी आपको वैक्सीन चाहिए ही। फ्लाइट जाते हैं और भी कहीं जाते हैं ऑफिस वगैरह, तो वहाँ पर आपको वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। तो ये अभी महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर वैक्सीन करवाएं जहाँ भी आपको अवेलेबल हो, जहाँ भी आप रहते हैं। तो ये देखिए वैक्सीन का ये टोकन है, मनुस्मृति मेडिकल सेंटर इसे लिखा हुआ है। तो ये टोकन वैसे ही होता है, टोकन सेकेंड डोज का ये है मेरा। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए अभी आ चुके हैं अंदर, यहाँ पे भी लाइन है, कुर्सी सिस्टम। यहाँ पे बैठ के अभी वेट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन हो ये हो चुका है तो फिर मेंशन करेंगे सिर्फ कि आप अर्जेंट है, उसके बाद फिर साइड है वैक्सीन का। दिखाता है आपको थोड़े कैसा है सिस्टम। काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा से ऊपर मैंने लाइन में रखा है, तो क्या बता सकते आपको। यह है कुर्सी सिस्टम, यहाँ पर आप बैठ बैठ कर नंबरिंग लिखा हुआ है कुर्सी पर, MSC 79 ऐसे करके। तो सब लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे ऐसे घूम के राउंड बाय राउंड होते जा रही है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेस्क है, उसके उस पार वैक्सीन लग रही है। Hours later. तो फ्रेंड देखिए मेरा वैक्सीनेशन डन हो चुका है, सेकेंड डोज। चलिए अभी निकलेंगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन पीरियड में हम 20 से 25 मिनट रुकते हैं, फिर निकलेंगे घर की ओर। काफ़ी टाइम लगा, लंच टाइम ब्रेक हो गया था बीच में। हम लगभग 12 के आसपास आए थे यहाँ पे, और अभी हो रहे टाइम 2 बज रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, चलेंगे घर पे, खाना वगैरह खाएँगे। तब तक रुकते हैं आधा घंटा, तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। बार बार हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी मिल रहा है तो नंबर बाय नंबर। यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, प्रोसेसिंग तक कोई गैदरिंग टाइप ना हो, इसके वजह से तो जो नंबर बाय नंबर, चेयर बाय चेयर लोगों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा बोरिंग है लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा व्यवस्था है, ऐसा होना चाहिए ताकि लोग बीच में आके गैदरिंग ना करें कि हमारा पहले क्यों नहीं। मिलेंगे हम आगे फिर से आपको, आपको दिखाते थोड़ा। देखिए लोग कैसे आ रहे हैं, देखिए वहाँ पे आपको वैक्सीन लग रहे हैं, पूरा जो काला वाला पट्टी दिख रहा है उसके अंदर वैक्सीन लग रहे हैं। वहाँ जो लाइन आदमी है वहाँ पे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे लोग अंदर जा रहे हैं वैक्सीन के लिए, फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए। उधर पीछे आपको दिखाया होगा पूरा लाइन बाय लाइन आ रहे हैं लोग, और उसके बगल में रजिस्ट्रेशन डेस्क है। तो है प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहे हैं। आपको दिखाते हैं पीछे का एरिया वगैरह, देखिए ये है पीछे का एरिया। सानरे रोड पे उधर गाड़ी पार्किंग की थी हमने सुबह। चले फ्रेंड निकलते हैं, हम चलेंगे, हो गया अभी डन 20 मिनट के आसपास हम रुक चुके हैं, निकलते हैं। ये है मनुस्मृति ओल्ड होम है, वैक्सीनेशन डन है, सेकेंड डोज मेरा। चलिए देखिए यहाँ पे वैक्सीन वगैरह लगाते हैं जाकर। ये सेक्टर 30 है पूरा एरिया, निकलेंगे हम। Thank you.
और जगह अच्छा है यहाँ का दृश्य। The next day. Hello friends, welcome back. Good evening. देखिए अभी हम आए हैं फिर से यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद पहाड़ी के इधर साइड इवनिंग वॉक के लिए। आपको थोड़ा कुछ दिखा देता हूँ अभी का माहौल। तभी तो बारिश लगभग बंद ही हो चुकी है, बारिश काफ़ी दिनों से हो नहीं रहे। इसके बाद का वो थोड़ा हरियाली वगैरह दिखाता हूँ कैसा है, अभी कितना चेंज हुआ है बारिश के बाद का। और बारिश का पहले तो आप हमारे ब्लॉग में देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो आपको प्ले लिस्ट का हम डाल देंगे लिंक, या आपको वीडियो का लिंक डाल देंगे उसमें आप देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ एरिया, यहाँ पे काफ़ी लोग अभी इवनिंग वॉक पूरा फ्री हो चुका है तो सारे लोग अभी आने लगे हैं। यहाँ पे संडे का दिन है आज, अभी शाम के लगभग 6:15 बज चुके हैं, 6:15। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा व्यू यहाँ का, क्या कितना चेंज हुआ और कितने लोग आए हैं मस्ती करने के लिए। कितने बच्चे तो नहा स्नान भी कर रहे हैं, आपको भी हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने सारे पीपल जो आए हैं इवनिंग वॉक के लिए, मस्ती कर रहे हैं, फ़ोटो क्लिकिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा देख रहे हैं सब कैमरा वगैरह लेके आए हैं। तो थोड़ा व्यू दिखाते हैं हरियाली वगैरह कितनी हो चुकी है बारिश के बाद, लोग कहाँ ऊपर तक जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। आपको इवनिंग का ये सीन है, सुहाना मौसम है अभी यहाँ पर, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा है। आपको देख रहे हैं तो लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पे अभी नीचे पानी देख रहे हैं, उस टाइम आए थे पानी काफ़ी इसमें थी क्योंकि बारिश हो रही थी तो झरना का वाटरफॉल का पानी काफ़ी आ रहा था। लेकिन वाटरफॉल का पानी आ रहा है लेकिन धीरे धीरे आ रहा है तो पानी का फ्लो भी कम हो चुका है। देखिए एक बार हरियाली कितनी हो चुकी है, सारे पौधे वगैरह हरे भरे हो चुके हैं। ये प्रकृति का दृश्य, वो चारों साइड का व्यू दिखा रहा हूँ मैं, कितना अच्छा हो चुका है। देखिए इधर कितने स्नान भी कर रहे हैं, इधर इधर का देखिए मेरे बच्चे स्नान वगैरह कर रहे हैं। ये पानी इसमें काफ़ी था पहले, ये पत्थर इतने जगह हुए नहीं थे लेकिन अभी पूरा पानी कम हो चुका है। और आगे चल के हम दिखाते हैं कितना बच्चा और आगे स्नान कर रहा है। थोड़ा होगा पहाड़ में, दोस्त आया था वो गया ऊपर पहाड़ी को उधर, तो मुझे थोड़ा दिखा देते आपको इधर का सीन। देख रहे हैं पूरा मस्ती चल रहा है यहाँ पर। अब आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पर रियल नज़ारा, जहाँ पे लोग ज़्यादा ही मस्ती कर रहे हैं, बच्चे तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। मज़े आ रहे हैं इस पानी में। थोड़ा पानी अभी गंदा हो चुका है, पहले उस टाइम पानी थोड़ा फ्रेश था, वाटरफ्लो कम है, लोग ज़्यादा इसमें स्नान वगैरह कर रहे हैं तो अभी गंदे देख लोग देख रहे हैं आप कितना पीपल आपको लगने लगा। अभी तो पूरा माहौल अभी अच्छा हो गया है यहाँ का, तो नबी मुंबई का एरिया है खारगढ़ का यहाँ पे। तो देखिए पीपल वगैरह कितने हैं, मैं दिखा देता हूँ। इधर दुकान वगैरह खुल गया, पहले नहीं था, तो यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं। मैं जूम करता हूँ तो देखिए वहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से लोग स्नान कर रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे वगैरह तो लोग काफ़ी आए हैं अभी। और ये है दृश्य आपका वाटरफॉल, देखिए वहाँ पे सामने पीछे। तो वाटरफॉल पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है, कभी कभी बारिश हो रही थोड़ी बहुत। तो चलिए फिर निकलते हैं, अभी घर जाएंगे हम, 6:30 बजने वाले हैं, 6:30 बज चुके हैं। तो देखिए रास्ता में कितना हरियाली हो चुका है, चारों साइड दोनों साइड रास्ते के घास हो गए हैं। और ये व्यू हमेशा की तरह सुंदर व्यू यहाँ का। चलिए फिर निकलते हैं, देखिए वहाँ डीजे वीजे बज रहा है, पूरा फुल मस्ती करने एंजॉय करने आते हैं यहाँ पे, अच्छी बात है हम भी करेंगे एंजॉय। और यहाँ से देखिए बोले यहाँ से लाइटिंग भी अच्छी है, व्यू अच्छा है, यहाँ से देख रहे हैं आप कितना खतरनाक व्यू है, सुंदर दृश्य इसको बोलते हैं हम, जिसके लिए लोग आते हैं यहाँ पे हमेशा तरह। कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और लाइक करना ज़रूर नहीं भूलें, लाइक ज़रूर करके जाएं वीडियो को अगर यहाँ तक आप ज़रूर देखते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आई वीडियो, थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहाँ पे पूरा डीजे वगैरह लगा रखे हैं।
आप देख रहे हैं पुलिस पे भी लिखा हुआ है, पूरा मस्त एकदम धमा मचा रखे हैं यहाँ पे। तो यह पूरा बाइक पार्किंग वगैरह